हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सेवक सिंह और आप देख रहे हो मिस्टर सेवक मैकेनिकल चैनल। आज की दोस्तों जो वीडियो है वो है बैटरी के बारे में। वीडियो में हम कंपेयर करेंगे दो बैटरी को, एक है इन्वर्टर वाली बैटरी और एक है ट्रैक्टर वाली बैटरी, क्योंकि इन दोनों में काफ़ी अंतर होता है अगर हम इसको खोल कर देखें तो। आज हम इसको जहाँ से काट कर दोनों में से एक एक सेल निकाल कर आपको दिखाएंगे कि इन दोनों में क्या अंतर है, क्योंकि यह वाली जो ट्यूबलर बैटरी है और इसको हम फ्लैट बैटरी बोलते हैं, इसकी जो प्लेट है वो पतली होती है और इसकी जो प्लेट है वो मोटी होती है जो इन्वर्टर के ऊपर लगती है। और एक बात यह मैं आपको बतानी चाहता हूँ कि यह काम दोस्तों आप खुद मत करें, क्योंकि ये रिस्की काम होता है। इसके अंदर जो एसिड है वो आपकी आँख में पड़ सकता है, जहाँ आपके हाथों में स्किन में लग सकता है, तो आपको कोई नुकसान पहुँचा सकता है, तो ऐसा काम मत करें। हमारे पास अभी दो बैटरी है। जो पहली बैटरी आप देख रहे हो ये है फ्लैट बैटरी इसको बोलते हैं, और इसको किसी भी इंजन को स्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि कोई भी ट्रैक्टर हो, ट्रक हो, कार हो, जैसा इंजन होगा उसी कैपेसिटी के हिसाब से ये बैटरी लगाई जाती है, इसको फ्लैट बैटरी बोलते हैं। उसके बाद है जी ट्यूबलर बैटरी, और ये स्पेशल इन्वर्टर के लिए ही बनाई जाती है। बाकी हम इसको दोनों को खोलकर आपको दिखाएंगे कि फ्लैट बैटरी और ट्यूबलर बैटरी के अंदर क्या क्या होता है। इसको पहले हम एक एक सेल दोनों का काट कर निकाल लेंगे, उसके बाद हम दिखाएंगे कि इसके अंदर क्या है। सबसे पहले यह वाली जो बैटरी है इसका हम एक सेल निकालेंगे। दोस्तों यह काम जो मैं कर रहा हूँ ये आप मत करो, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क रहता है। दूसरा, इसके ऊपर मैंने जो इसका सेफ्टी कवर है इसलिए नहीं लगाया कि अगर मैं सेफ्टी कवर लगाता तो फिर ये बैटरी को पूरा कट नहीं होना था, इसलिए मैं थोड़ा स्लो स्लो ये काम कर रहा हूँ। तो हमने ये दोनों इसके जो ग्राइंडर से काट लिए हैं एक एक सेल। ये दोस्तों नेगेटिव टर्मिनल वाला जो साइड है ना, वो साइड का हमने एक सेल निकाला है। और ये वाली जो बैटरी है ये शील्ड बैटरी होती है, ये एक मशीन के द्वारा इसका कवर लगाया जाता है। एक मशीन होती है स्पेशल, हीट देकर इसका कवर लगाती है, क्योंकि एक बैटरी में 6 सेल होते हैं और 6 सेल का अलग अलग पार्टीशन होता है, एक दूसरे का एसिड कभी भी एक दूसरे सेल में नहीं जाएगा, इसलिए यह एक पूरा हीट के द्वारा इसका जो कैप है वो लगाया जाता है, उस ऊपर का कवर। एक जो सेल है ये 2 वोल्ट का सेल होता है, तो ये वाला जो इसका सिरा है ये है दोस्तों पॉजिटिव, क्योंकि हमने नेगेटिव टर्मिनल का जो निकाला था ये सेल, तो इसका जो दूसरा सिरा है वो है पॉजिटिव। तो जो बैटरी है इसके अंदर एसिड तो पहले ही नहीं था, लेकिन हम फिर भी इसको एक बार पानी से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि बाद में इसको हाथ लगाना है। तो इसी तरह से हम जो फ्लैट बैटरी है इसका भी एक वही जो नेगेटिव वाला सेल है वो बाहर निकाल लेंगे। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो ये बैटरी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, और ये देखें ये फ्लैट बैटरी है, इसके अंदर तकरीबन 11 प्लेट होंगी, जैसा कि इसमें 5 होगी पॉजिटिव वाली प्लेट और 6 होगी अपनी नेगेटिव वाली प्लेट, यानी कि ये टोटल 11 प्लेट की बैटरी है। हम एक बार इसको पानी से साफ़ कर लेंगे, क्योंकि वैसे पहले एसिड तो इसमें नहीं था, फिर भी जो एसिड का असर तो रहता ही है इसमें, तो मैंने जो ग्लव्स वगैरह इसीलिए नहीं पहने, क्योंकि फिर बाद में जो वीडियो अच्छी तरह से नहीं बनती, इसलिए हम पहले ही इसको पानी से साफ़ कर लेते हैं। ये फ्लैट बैटरी है, और इसके साइड में स्पेसर दिए जाते हैं ताकि लोड में बैटरी ख़राब ना हो। जब ज़्यादा लोड इसके ऊपर आएगा तो जो इसके अंदर प्लेट है वो कंपन करेंगी, वाइब्रेशन करेंगी, तो
उसके कारण जो टर्मिनल से कहीं टूट ना जाए इसलिए फिक्स किया जाता है स्पेसर लगाकर। हमने सेल निकाला था, इसमें एक यह वाला स्पेसर है और इसके नीचे भी काफ़ी स्पेसर हैं, ठीक है जी, ताकि इसकी जो प्लेट है वो ज़्यादा हिलजुल ना सके। तो इसके अंदर ये दो स्पेसर थे ताकि आपको ऐसा लगे कि बैटरी काफ़ी बड़ी है। तो हमने जो इसका सेल निकाला था, अगर हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं तो ये दो वोल्ट के, मैंने जैसे कि पहला बताया कि ये दो वोल्ट का एक सेल है, यानी कि ये दो वोल्ट की बैटरी है। यह वाला जो इसका सिरा है ये है नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, तो मैं नेगेटिव को नेगेटिव में और पॉजिटिव को पॉजिटिव में लगाऊंगा। और जहाँ पर आप मल्टीमीटर के ऊपर देखो कि पूरे दो वोल्ट ये निकाल रहा है अभी, ठीक है जी, दो वोल्ट का ये सेल हो गया। अब एक सेल चाहे उसकी प्लेट 7 हो, 5 हो, 3 हो, चाहे 15 हो, वो दो वोल्ट का ही रहेगा, लेकिन उसके प्लेट की गिनती ज़्यादा होने से उसके जो अम्पेयर है वो ज़्यादा होते चले जाएंगे। ये तो था ट्यूबलर जिसमें थी अभी जो गर्म वाली प्लेट है, जिसको हम गर्म वाली प्लेट बोल देते हैं, जहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसमें है 1, 2, 3, 4 चार प्लेट पॉजिटिव की है ये देखें, और इसमें 5 प्लेट जो है वो नेगेटिव की है। ये वाली है 90 AH की। तो इसमें क्या है ये देखें, वही स्पेसर। स्पेसर इसलिए लगाया जाता है कि जब ये बैटरी चल रही हो, लोड में हो, तो उसकी जो प्लेट है वो कंपन ना करे। इसके कारण क्या होगा कि ज़्यादा कंपन करने से इसके जो जहाँ पर टर्मिनल से जुड़े हुए ये ज्वाइंट है ये टूट जाएंगे। अब हम इसके देखते हैं कि गिनती क्या है इसकी प्लेट की। जैसा कि खैर प्लेट तो अभी ख़राब हो चुकी है, लेकिन हम देखते हैं जो पॉजिटिव प्लेट थी वो कितनी थी, 1, 2, 3, 4, 5 5, और ये थी जो नेगेटिव प्लेट है वो है 6, 1, 2, 3, 4, 5 6 5 और 6 11 प्लेट इसके अंदर लगी हुई है 88 AH की बैटरी के अंदर। क्योंकि कोई भी जो बैटरी है ना उसकी सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव प्लेट है वही ख़राब होगी। जैसा कि ये वाली नेगेटिव प्लेट है, इसकी जो प्लेट आप देखो वैसी की वैसी ही होगी, साफ है बिल्कुल। मैं उसके पानी से एक बार साफ कर लूँ और दोस्तों मैंने ग्लव इसलिए नहीं पहने के क्योंकि फिर अच्छी तरह से ये वीडियो नहीं बन पाएगी, तो लेकिन मैं बार बार पानी से हाथ साफ कर रहा हूँ इसीलिए। तो ये जो प्लेट है ये ट्यूब एक सेपरेटर का काम करती है और यह वाली इसके अंदर नेगेटिव प्लेट है। उसके बाद फिर ये कांच का एक सेपरेटर है ये वाला, ताकि नेगेटिव और जो पॉजिटिव प्लेट है वो शॉर्ट ना हो। उसके बाद है जी ये देखें, जो पॉजिटिव प्लेट थी वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, आप देख सकते हो कि पॉजिटिव प्लेट बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। उसके बाद है जी कि जो ट्यूबलर बैटरी है वो हमारी 8-8 साल क्यों चल जाती है। उसका मेन रीज़न यही है कि एक तो यह देखें जो इसकी नेगेटिव प्लेट है इसके ऊपर, इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है इसकी लाइफ ज़्यादा का, कि जो इसकी प्लेट है ट्यूबलर की वो काफ़ी मोटी रहती है फ्लैट बैटरी के मुकाबले, और जो इसकी जो पॉजिटिव प्लेट है, जैसा कि आप देख सकते हो कि फ्लैट बैटरी की पॉजिटिव प्लेट है वो चूरा हो चुकी है, लेकिन इसकी प्लेट चूरा नहीं बनेगी क्योंकि इसको एक ख़ास नाइलॉन के कपड़े से फिक्स किया जाता है इसके अंदर लेड, और ट्यूबलर की तरह ये बनाया गया है आप देख सकते हो, इसीलिए इसको ट्यूबलर बैटरी बोला जाता है। लंबी रॉड इसके अंदर है, मैं अभी आपको निकाल कर दिखाता हूँ अगर निकल आई तो, क्योंकि ये ख़राब हो चुकी है खैर बैटरी, लंबी रॉड होती है, लेकिन इसकी जो ये रॉड है शायद टूट कर ही बाहर निकलेगी, इसी कारण ये ज़्यादा लंबे समय तक चलती है, 8-8 साल तक ये ट्यूबलर बैटरी चल जाती है, क्योंकि इसका जो
पॉइंटर प्लेट का लेड है वो चूरा नहीं बनता। और जो इसकी नेगेटिव प्लेट है, ये देखें, ये फ्लैट बैटरी की प्लेट है, यह वाली नेगेटिव, और ये ट्यूबलर बैटरी की प्लेट है, ये मोटी होती है। और दूसरा कि कभी भी जो नेगेटिव प्लेट है वो ख़राब नहीं होती जल्दी, सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव प्लेट ही ख़राब रहती है। आज की दोस्तों हमारी वीडियो इतनी ही थी, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बढ़िया लगी होगी क्योंकि मैंने काफ़ी मेहनत की है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।